नमस्कार जे के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज की कक्षा में हम वर्ग दो के गणित के पाठ गुना की चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम आज अभ्यास के कुछ प्रश्न करेंगे इसकी अवधारणा की चर्चा हमने पिछले आ, आ, क्लास में किया था आज इस पर आधारित कुछ अभ्यास के प्रश्न सीखेंगे तो ये हमारा पहला प्रश्न ले रहे हैं मिलान कीजिए इसमें इसके अंतर्गत पहला है चार गुना पांच बराबर बीस ये दो कॉलम है एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर और इसे हमें मिलान करना है रेखा खींचकर तो चार गुना पांच बराबर बीस अर्थात पांच चार बार आए हैं है ना? पांच को चार बार जोड़ा गया है तो कहां पर है ये पांच को चार बार ये हा एक दो तीन चार पांच को चार बार जोड़ा गया है तो ये हम इस तरह से सीधी रेखा खींचेंगे तीर भी बना सकते हैं इस तरह से तीर हमने बनाया ठीक है अब दूसरा देख रहे हैं तीन गुना आठ बराबर चौबीस अर्थात आठ को तीन बार जोड़ा गया है ये कहां है ये देखिए यहां पर है आठ जोड़ आठ जोड़ आठ तो इसका मिलान हम इससे करेंगे अब इसके बाद तीसरा है चार गुना चार बराबर सोलह अर्थात चार को चार बार जोड़ा गया है ये कहां है आ, इस कॉलम में यहां पर है तो ये इस तरह से हम मिलाएंगे अगला प्रश्न है पांच गुना पांच यानी पांच को पांच बार जोड़ा गया है तो ये इस कॉलम में कहा है देखिए यहां पांच को पांच पांच बार जोड़ा गया है एक दो तीन चार पांच तो ये इस तरह से हमारा ये तीर का निशान आएगा अब ये अंतिम है चार गुना सात बराबर अट्ठाइस यानी सात को चार बार जोड़ा गया है तो इस कॉलम में कहां पर जोड़ा गया है चार बार एक दो तीन चार तो हमारे अभ्यास के प्रश्नों में यह एक प्रश्न था मिलान कीजिए अब हम अभ्यास के अंतर्गत दूसरे तरह के प्रश्न देखते हैं दो गुना तीन इसका अर्थ क्या है तीन को दो बार जोड़ना है आइए रफ में करके देखते हैं तीन को दो बार जोड़ते हैं तीन जोड़ तीन तो ये कितने हो गए तीन और तीन तो दो गुना तीन हमारा क्या होगा छ अब दूसरा प्रश्न है दो गुना छ अर्थात छ को दो बार जोड़ना है तो ये होगा छोड़ बराबर कितना होगा बारह तो यहां हम लिखेंगे बारह ये हम रफ में कर रहे हैं अब है तीन गुना तीन अर्थात तीन को तीन बार जोड़ना है तो तीन जोड़ तीन जोड़ तीन, जोड़ तीन। तो ये हो गया तीन और तीन छ और तीन नौ तो यहां पर हो जाएगा हमारा तीन गुना तीन नौ अब है पांच गुना दो अर्थात दो को पांच बार जोड़ना है तो जोड़ते हैं हम लोग रफ में दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो तो ये कितने हो गए दो और दो चार और दो दो आठ और दो दस तो पांच गुना दो हो गया हमारा कितना दस इस तरह के प्रश्नों को हम इसी तरह से हल करेंगे आपकी पुस्तक में और भी प्रश्न दिए हुए हैं बाकी प्रश्नों को आप स्वयं बनाएं। अब हम मिलान वाले कुछ प्रश्नों को देखते हैं तो पहला प्रश्न है दो गुना तीन कितना होगा देखिए दो गुना तीन यानी तीन को दो बार जोड़ेंगे तो कितना होगा तीन और तीन छे देखिए कहां पर छे है उससे इसका मिलान कीजिए दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं चार गुना चार अर्थात चार को चार बार जोड़ना है तो जोड़ेंगे चार जोड़ चार जोड़ चार जोड़ चार कितने हो गए सोलह हो गए तो देखिए सोलह जहां पर है उससे हम उसको मिलान करेंगे तीसरा प्रश्न है पांच गुना चार अर्थात चार को पांच बार जोड़ेंगे तो कितने आएंगे हमारे 20 आएंगे तो इस 20 से इसका मिलान करेंगे इसके बाद है दो गुना पांच यानी पांच को दो बार जोड़ेंगे पांच जोड़ पांच तो कितने होंगे दस होंगे तो दस से इसका मिलान करेंगे इसके बाद है छ गुना तीन यानी तीन को छ बार जोड़ेंगे तीन जोड़ तीन जोड़ तीन जोड़, तीन जोड़ तीन जोड़ तीन जोड़ तीन जोड़ तीन इस तरह से छह बार तो कितने हो जाएंगे ये जोड़ के आप देखें 18 होंगे अगला प्रश्न है तीन गुना सात यानी सात को तीन बार तो सात जोड़ सात जोड़ सात ये कितने हो गए इक्कीस तो इक्कीस से इसका मिलान करेंगे अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम अर्थात शाब्दिक प्रश्न या इबारती प्रश्न ले रहे हैं पहला प्रश्न है एक साइकिल में दो चक्के हैं तीन साइकिलों में कुल कितने चक्के होंगे तो आ, कुल चक्के कितने होंगे कुल चक्के होंगे आ, तीन गुना दो बराबर तो तीन गुना दो, दो चक्के Uh, कितनी साइकिल हैं दो चक्के तीन बार जोड़े जाएंगे दो चक्के तीन बार जोड़े जाएंगे क्योंकि तीन साइकिलें हैं तो हम जोड़ के देखते हैं दो जोड़ दो जोड़ दो तो कितना हो गया हमारा छ तो तीन गुना दो हमारा आ गया छे अर्थात कुल चक्कों की जो संख्या होगी वो होगी दूसरा प्रश्न देखते हैं मैदान में चार गायें चर रही हैं गायों के पैरों की कुल संख्या बताइए गाय कितनी है चार और प्रत्येक गाय को कितने पैर हैं चार पैर हैं तो यहां लिखते हैं प्रत्येक गाय के पैरों की पैरों की संख्या तो ये होगा चार एक गाय को चार पैर हैं तो कुल पैरों की संख्या कुल पैरों की संख्या अर्थात कितनी गाय हैं चार गाय हैं तो चार बार जोड़ेंगे तो चार जोड़ चार जोड़ चार जोड़, चार जोड़ चार अर्थात चार गुना चार तो ये कितना होगा जोड़ लेते हैं चार चार आठ और चार बारह और चार सोलह अर्थात चार गुना चार हमारा कितने आ गए सोलह तो कुल पैरों की संख्या जो होगी चार गायों की वो कितनी होगी सोलह एक कार में पांच लोग बैठते हैं पांच ऐसी कारों में पांच ऐसी कारों में कुल कितने लोग बैठते हैं एक कार में कितने लोग हैं पांच और हमारे पास कारों की संख्या कितनी है पांच तो कुल कितने लोग बैठेंगे तो इसे इस तरह से करेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या जो कार में बैठेंगे की संख्या बराबर पांच कार हैं और प्रत्येक कार में पांच लोग हैं तो ये पांच कितने बार आ गए एक दो तीन चार पांच पहली कार में पांच लोग हैं दूसरी में पांच हैं तीसरी में भी पांच हैं चौथी में भी पांच हैं और पांचवी में भी पांच हैं तो इसका अर्थ हो गया पांच कितने बार आए पांच बार तो पांच गुना पांच इसे हम लिखेंगे तो कितने हो गए ये जोड़ के देख लेते हैं पांच और पांच दस पांच पंद्रह पांच बीस पांच पच्चीस यानी पांच गुना पच पांच कितना हो गया ये पच्चीस तो कुल कितने लोग पांच कारों में बैठेंगे पच्चीस लोग बैठेंगे अब अगला प्रश्न देख रहे हैं एक पैकेट में दस चॉकलेट हैं तो छह पैकेट में कुल कितने चॉकलेट होंगे फिर इसी तरह से हम करते हैं कुल चॉकलेट की संख्या कुल चॉकलेट की संख्या बराबर दस दस चॉकलेट हैं एक एक पैकेट में और ऐसे कितने पैकेट हैं 6 पैकेट हैं तो हम दस को कितनी बार जोड़ेंगे छह बार एक दो तीन चार पांच और ये छ अर्थात एक पैकेट में दस हो गए दूसरे में भी दस हैं तीसरे में भी दस हैं चौथे में भी दस हैं पांचवें में भी दस हैं और छठे में भी दस हैं और गुना के रूप में इसे हम कैसे लिखेंगे गुना दस तो ये कितने हो गए छ गुना दस कितने हुए हाँ जोड़ के देख लें दस दस बीस दस तीस दस चालीस दस पचास दस, दस साठ तो कुल चॉकलेट की संख्या हो गई हमारी साठ तो आज की कक्षा में हमने गुना से संबंधित कुछ अभ्यास किए हैं और भी अभ्यास आपके पुस्तक में होंगे उन सारे आ, प्रश्नों को अभ्यास के प्रश्नों को आप बनाए आशा है कि दो तीन तरह के प्रश्न हमने आज हल किए हैं इसकी सहायता से आप सारे प्रश्नों को हल कर सकेंगे धन्यवाद